सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा Okay, तो अभी के टाइम अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील तो जरूर देखिए क्योंकि इस टाइम ही बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एंड अगर आप भी कुछ इस टाइप रील को ऐड करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो यार काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है आपकी रील वायरल होने की। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस टाइप रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपनी रील को वायरल भी करा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखो इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है VNT, बहुत इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड देखो एक एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल लास्ट तक देना। तो देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन भी जाना है तो यहाँ पे जाएंगे। एंड आपको यहाँ से अपनी कोई 10 फोटो चूज कर लेनी है, मतलब आपको यहाँ से अपनी कोई 10 फोटो चूज कर लेनी है। ठीक है, तो मैं ऐसे फटाफट कर लूंगा। ओके, तो मैंने अपनी फोटो चूज कर लें। देन क्या करना, देखो आपको सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा एरो वाला, ठीक है, तो उसे मिला इस टाइप से क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी फोटोज भी आ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी वीडियो का फ्रेम सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिजिन वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 9:60 वाला रेशो चूज कर लेंगे जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। ठीक है, और क्या करना, देखो आपको यहाँ पे अपनी फोटो पे क्लिक करना है पहली वाले पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से अपने दोनों उंगलियों से, मतलब दोनों फिंगर से यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेंगे अपने फोटो को ताकि और भी ज़्यादा बढ़िया लगे देखने में वीडियो। ठीक है, तो क्या करना, देखो आपको यहाँ पे इस टाइप से करना है, आपको यहाँ पे अपने फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसे यहाँ से इस टाइप से जूम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको अपने सारे फोटोज के साथ करना है, क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा जूम कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी सारे फोटो अच्छे से जूम कर लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेम ऐसे करना है। एंड देखो आपको लास्ट में एक वाटरमार्क मिलेगा, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको बिल्कुल शुरू में आना है एंड आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना है। तो देखो कैसे कर सकते हो, तो क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा म्यूजिक वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस टाइप से। देन आपको यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है और देखो आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा प्लस वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से थर्ड नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे, तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे। ठीक है, और देखो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगी ये वाली, ठीक है, तो इसे यहाँ से चूज कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो की लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप इस वहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देन क्या करना, देखो आपको यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो जो इस वाली वीडियो का ऑडियो होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा एंड आ भी चुका है सबसे ऊपर। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस यहाँ से चूज कर लेंगे इस टाइप से। देन आपको यहाँ राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो अभी हमारे यहाँ पर वीडियो में ऑडियो भी लग चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी क्या करना, जो सबसे मेन काम है, तो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने म्यूजिक में बीट लगानी है। तो देखो कैसे लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल स्टेप में बताऊंगा। तो देखिए क्या करना, आपको अपने म्यूजिक पे टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे एंड आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे और देखो आप यहाँ पे बीट कैसे लगा सकते हो, अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो जैसे मुझे यहाँ पे बीट लगानी है, ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको सिंपली रेड वाले फ्लैग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपकी बीट लग जाएगी। और अगर आपको यहाँ से बीट को डिलीट करना है तो आपको यहाँ बीट पे क्लिक करना है और इसे आप यहाँ से बहुत इजीली डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे इस टाइप से पूरी 10 बीट लगानी है, मतलब पूरी आपको यहाँ पे 10 बीट लगा देनी है। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे लगानी है अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे पहली बीट लगाना है 0.79 पे, तो अभी मैं आपको यहाँ पे लगा के एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.79 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहली बीट लगानी है, तो क्या करना है, यहाँ पे रेड वाले फ्लैग पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी पहली बीट लग जाएगी। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे इस टाइप से पूरी 10 बीट लगानी है। एंड देखो आपको यहाँ पे अपनी दूसरी बीट लगानी है 2.07 पे, तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार वो लगा के दिखा देता हूँ, यार टेंशन ना लो, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2.07 आ चुका है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारी सेकंड बीट लग जाएगी। एंड देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहली बीट कहाँ पर है, दूसरी बीट कहाँ पर है और तीसरी बीट कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हो एंड जब आप अपनी कोई रील एडिट करो तो आप इसमें देख देख के बहुत ईजिली अपनी रील को एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और देखो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक बीट लगा के दिखाने लगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड देखो आपको यहाँ पे बीट कैसे लगानी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो मैं अपनी सारी बीट फटाक से लगा लूँगा। ठीक है, एंड उनकी जो टाइमिंग होगी, मतलब कौन सी बीट कहाँ पर लगाने, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी सारी बीट अच्छी तरीके से लगा लिया। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे सेम ऐसे लगानी है। एंड देखो अभी मैं आपको इनकी टाइमिंग बता देता हूँ कि मतलब कौन सी बीट कहाँ पर है। तो देखो आपके यहाँ पे पहली बीट है 0.79 पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड जो यहाँ पे हमारी सेकंड बीट है वो यहाँ पे 2.07 पे, और यहाँ पे थर्ड जो बीट है वो यहाँ पे 3.44 पे, आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, एंड जो यहाँ पे हमारी फोर्थ बीट है वो है 4.81 पे। ठीक है, 4.81 पे। एंड यहाँ पे जो हमारी फिफ्थ बीट है वो यहाँ पे 6.16 पे।
ठीक है। और जहाँ पर हमारी सिक्स बीट है वो यहाँ पर 7.48 पे, एंड जहाँ पर हमारी सेवन बीट है वो यहाँ पर 8.81 पे, ठीक है। और जहाँ पर हमारी एट्थ बीट है वो यहाँ पे 10.10 पे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और जहाँ पर हमारी नाइन्थ बीट है वो यहाँ पे 11.46 पे, ठीक है। एंड जहाँ पर हमारी लास्ट वाली बीट है वो यहाँ पर 12.81 पे, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो बीट लगाने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन इस टाइप से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। और क्या करना, देखो सबसे मेन काम तो क्या करना, पहले इस तरह से थोड़ा सा अच्छे से जूम कर लेंगे ताकि हम यहाँ से अपने फोटोज को अच्छे से एडजस्ट कर पाएं। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी पहले वाली फोटो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे बीट के नीचे ला के रख देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बीट के नीचे है, ठीक है। और क्या करना है, देखो आप यहाँ पे अपनी बीट पे क्लिक करना है अगली वाली पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने दूसरे वाले फोटो पे क्लिक करेंगे और इस हिसाब से पकड़ेंगे और यहाँ बीट के नीचे ला के रख देंगे, ठीक है। तो आप इसे भी देख सकते हो बिल्कुल बीट के बीचों बीच है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपनी थर्ड वाले बीट पे क्लिक करना है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोटो पे क्लिक करेंगे थर्ड वाले पे और इसे भी यहाँ पे इस टाइप से ला के रख देंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई आपको समझाएगा नहीं वैसे। एंड देन आपको यहाँ पे अपनी फोर्थ वाली बीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फोटो पे क्लिक करेंगे फोर्थ वाले पे और इसे भी यहाँ पे इस टाइप से ला के रख देंगे, ठीक है। तो आपको सेम यही करना है अपने सारे फोटोज के साथ, अपने बीट पे क्लिक करना है इस टाइप से और फोटो पे क्लिक करेंगे और इसे आप बीट के नीचे ला के रख देंगे, ठीक है। तो आपको सेम यही करना है अपने सारे फोटोज के साथ, तो मैं इसे फटाफट से कर लूँगा। तो फोटो सेट करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल शुरू में आ जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे सबसे जरूरी काम करना है, क्योंकि उसके बिना तो भाई कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फोटोज में इफेक्ट लगाने हैं, एंड आपको यहाँ पे कौन सी फोटो में कौन सा इफेक्ट लगाना है वो सबसे मेन चीज है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो ही बताता हूँ। तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने पहले वाले फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे सबसे नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट्स वाला, यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे, ठीक है। और देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जिटल डाउन वाला, तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा दे, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जिटल डाउन वाला, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोटो में जिटल डाउन वाला इफेक्ट ही लगाना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको यहाँ पे जिटल डाउन वाला लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाक से लगा लूंगा, ओके। तो मैंने अपने तीन फोटो में फर्स्ट सेकंड और थर्ड में यहाँ पे जिटल डाउन वाला इफेक्ट लगा दिया है, ठीक है। देन क्या करना, देखो आप यहाँ पे अपनी फोर्थ वाली फोटो पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देखो आपको फिर से एफएक्स में जाना है और आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा एक्सपोंड वाला, तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोंड वाला, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे अपनी पूरी फोटो में अप्लाई कर देंगे इस टाइप से बड़ा करके, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। देन क्या करना, देखो आपको यहाँ पे अपनी फिफ्थ फोटो पे आना है, मतलब आपको यहाँ पे अपनी पांचवी फोटो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से एफएक्स में जाएंगे एंड इसमें आपको यहाँ पे लगाना है जूम आउट वाला, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो इसे यहाँ पे पूरा फुल कर लेंगे इस टाइप से, लास्ट तक कर लेंगे और शुरू तक, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपनी सिक्स्थ वाली फोटो पे आना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और एफएक्स में जाएंगे एंड देखो इस बार आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा शेक वाला। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, तो कहाँ पर है शेक वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसे यहाँ से चूज कर लेंगे और इसे यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। मतलब पूरी फोटो पे अप्लाई कर देंगे। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जाना है फिर अपने सेवंथ फोटो पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एफएक्स में जाएंगे और इसमें आपको यहाँ पे फिर से लगाना है जिटल डाउन वाला, तो यहाँ पे फिर से जिटल डाउन लगा लेंगे, ठीक है। और इसे भी आप अपने पूरे फोटो पे अप्लाई कर लेंगे। देन आपको राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी एट्थ फोटो पे जाना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, एफएक्स में जाएंगे एंड यहाँ से फिर से एक्सपोंड वाला चूज कर लेंगे जो कि हमने वहाँ पे लगाया था। तो इसे यहाँ से चूज कर लेंगे और इसे यहाँ पे पूरे फोटो के बराबर कर लेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपनी नाइन्थ फोटो पे जाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड एफएक्स में जाएंगे और आपको इस बार यहाँ पे जूम आउट वाला इफेक्ट लगा लेना है, ओके। तो यहाँ से चूज कर लेंगे और यहाँ पे अपने फोटो के बराबर का कर लेंगे पूरा फुल, ठीक है। आपको इस टाइम ऐसे करना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे अपने सबसे लास्ट वाली फोटो पे क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एफएक्स में जाएंगे एंड इस बार आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा शेक वाला, तो यहाँ पे शेक देख लेंगे कहाँ पर है शेक वाला, ठीक है। तो इसे यहाँ से चूज कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे और इसे लास्ट तक यहाँ तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पे रील पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं एंड अभी मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ, देखते हैं कैसी बनी है।
ओके, तो आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। एक लाइक तो बनता है। तो देखो अभी क्या करना है, आपको अपनी गैलरी में सेव ही करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो ये वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ये राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो जल्दी से इस पर क्लिक करो और जल्दी से देखो।